मैं ये कहूँगा कि हमेशा सोचा था कि अपने शहर तो शुरुआत करनी बड़ी इम्पोर्टेंट है, और इसलिए ई रिक्शा सबको दे रहे हैं हम लोग, ताकि यू नो इनको एक साधन मिल सके, एक जरिया मिल सके यू नो खुद पे पैरों पर खड़े होने का, ताकि अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें। सो आई थिंक जस्ट स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड कि इन लोगों को एक एक कॉन्फिडेंस आ सके कि किस तरह अपने पैरों पर खड़े होना है, तो आई थिंक उसके लिए मोगा से शुरू किया है। हम पूरे देश में बांट रहे हैं, सब स्टेट्स में बांट रहे हैं, करीबन 100 से 150 से शुरुआत हो रही है, पर शुरुआत मैं मोगा से करना चाह रहा था क्योंकि मेरा अपना शहर है। बड़ी अच्छी लग रही है इन लोगों के चेहरे पर ये खुशी देख कर, और ये कहूँगा हमेशा खुश रहें और यू नो अपनी ऐसी तरक्की मिलती रहे उनको। बात करें किसान आंदोलन की, तो उसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए अभी जो है, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि जो भी है एक हल निकले, मैं हमेशा बोलता हूँ हल का हल निकलना बड़ा ज़रूरी है, और इसका हल निकले जो भी उन लोगों के लिए अच्छा है, उनकी मांगों को सुना जाए, सरकार की भी जो तरफा है उसको भी सुनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार भी उनके लिए अच्छा ही चाहेगी, पर मुझे लगता है कहीं बैठकर कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए, ताकि जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं इतने महीनों से, इतने लोगों की जाने गई हैं, उसके लिए कम से कम हमें इन लोगों के लिए अच्छा करना बहुत ज़रूरी है।